हेलो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हो कि बीटा वर्जन 18.0 अब लाइव आ चुका है ग्लोबल सर्वर्स पे और ये 7 तारीख को हुआ। आई होप आपको अपडेट अच्छा लगा हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस अपडेट में। इस अपडेट में एक नया मोड आया था, चियर पार्क मोड। उस मोड में एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है शूटिंग रेंज वाली, जिसमें आप स्कोर करने की कोशिश कर रहे हो। उसमें आपका एक अचीवमेंट भी है जिसमें आपको 75+ स्कोर करना है, शायद 50 times, तो आपको एक अचीवमेंट अनलॉक होगा। ये वीडियो उसी के बारे में है कि आप 75-100 स्कोर कैसे कर सकते हो शूटिंग रेंज में, चियर पार्क की शूटिंग रेंज में। तो इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ कि आपको कौन से वेपन्स यूज़ करने हैं, क्या यूज़ करना है, कौन से अटैचमेंट्स यूज़ करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि आप बहुत ज़्यादा ईजिली वो कर सको। सो चलते हैं चियर पार्क की तरफ। सो यहाँ मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कौन सा वेपन आपको यूज़ करना है। और एक बार पहले मैं आपको स्कोर करके भी बता देता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक बार 100 स्कोर कर लिया है इस लॉबी में, बट फिर भी मैं एक बार और करके बता देता हूँ। मेरा फेवरेट वेपन शूटिंग रेंज में तो M416 है, लो रिकॉइल की वजह से। इसमें मेरे अटैचमेंट्स होने वाले हैं कंपनसेटर, एंगुलर फोरग्रिप, एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग और स्टॉक, 6x स्कोप और कंटेक्ट साइट। और जो अटैचमेंट्स मैंने यूज़ करे हैं, अटैचमेंट भी मेरे कम्फर्ट के हिसाब से। जो 6x स्कोप है उसको मैं 4x और 6x के बीच में कहीं रखूँगा, वो भी मेरे कंफर्ट और रिकॉइल कंट्रोल के हिसाब से है। अगर आपको 4x ज़्यादा बेटर लगता हो तो आप 4x यूज़ करें, क्योंकि आपको रिकॉइल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है शूटिंग रेंज में, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस के टारगेट पे हिट करना है अपन को। एंड एट लास्ट आपको एटलीस्ट 300 एमओ रखनी है, कोई भी वेपन हो आपके पास, आपको एटलीस्ट 300 एमओ रखनी है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपके एमओ ख़त्म हो जाए आप शूट कर रहे हो इसी बीच। सो मैं पहले आपको बता देता हूँ 100 स्कोर करके, उसके बाद अपन बात करेंगे कि कौन कौन से वेपन यूज़ कर सकते हैं, कौन से नहीं करने चाहिए। ओके, सो लास्ट शॉट जो हुआ वो बिल्कुल लास्ट सेकंड में हुआ, बट हाँ 100 स्कोर हो गया। तो अब अपन बात करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इजीली स्कोर करने के लिए। सो आपको कैंडिडेट साइट का यूज़ नहीं करना है। कैंडिडेट साइट का यूज़ आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि जो स्कोप चेंज होने में जो टाइम लगेगा वो आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, जिसकी 6x रेड आउट होने में जो टाइम लगेगा वो। क्लोज टारगेट को आप ADS ऑफ, बगैर ADS के शूट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा इंस्टेड यूजिंग कैंडिडेट साइट। कई बार ऐसा होता है कि कई प्लेयर्स आपके एम के बीच में आते हैं, आपका साइड ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, आपको शूट नहीं करने देते, आपका विजन ब्लॉक कर देते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि अगर ऐसा आपके साथ हो लॉबी में कोई जानबूझ के करे ऐसा, तो आई विल सजेस्ट कि आपको लॉबी लीव कर दो, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा, वो बस आपका टाइम वेस्ट कर रहा है और इसमें टाइम ही सब कुछ है। ऑलवेज यूज अ बिगर स्कोप। ये बड़ा स्कोप यूज़ करने का, 4x और 6x यूज़ करने का केवल एक ही मोटिव है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस के शॉट्स ले सको, क्योंकि क्लोज डिस्टेंस तो आप बगैर ADS ओपन करके भी ले सकते हो और इसमें लॉन्ग डिस्टेंस के टारगेट भी आएंगे, उन्हें भी आपको हेड देना है, तो इसलिए 4x और 6x यूज़ करना है आपको। अब चॉइस आपकी है कि आपको 4x यूज़ करना है कि 6x यूज़ करना है, जिसका आपका रिकॉइल कंट्रोल ज़्यादा बेटर हो, जिस पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहे आपको, वो आप यूज़ करो 4x, 6x, 8x, जो भी आपको यूज़ करना हो। तीसरी चीज़, हमेशा प्रोन एंड शूट ही करें, मतलब लेट के ही आपको शूट करना है। ये इसलिए क्योंकि लेटने के बाद आपका रिकॉइल काफ़ी कम हो जाता है, आपका वर्टिकल रिकॉइल ज़्यादा ऊपर नहीं जाता और एंगुलर रिकॉइल भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में ही रहता है। हाई रिकॉइल के वेपन यूज़ करने का इसमें मतलब नहीं है, तो वो यूज़ ना करें, जैसे कि AKM, MK, M249, ये सब यूज़ करने से कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपको एक्यूरेसी चाहिए और इन वेपन्स में एक्यूरेसी नहीं है। सो आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप कोई भी हाई रिकॉइल वेपन यूज़ करें। हाँ आई नो आप रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हैं AKM वगैरह किसी का भी, बट
जो स्क्रीन शेक होती है उधर लॉन्ग डिस्टेंस में हेडशॉट्स मारना पॉसिबल नहीं होता। सो आप सोचेंगे कि फिर डीपी वगैरह तो बेस्ट वेपन है क्योंकि उसका रिकॉयल पैटर्न काफ़ी ईजी है और ज़्यादा रिकॉयल नहीं करती वो वेपन। सो आई वॉन्ट सजेस्ट कि डीपी वगैरह भी आप यूज़ करो क्योंकि कोई भी आपको ऐसा वेपन यूज़ नहीं करना है जिसका रिलोडिंग टाइम ज़्यादा हो, क्योंकि रिलोडिंग टाइम ज़्यादा होगा तो आपका रिलोड में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे कि M4 में इतना रिलोडिंग टाइम नहीं है, वो शायद 2 सेकंड में पूरी रिलोड हो जाती है, पूरा मैक 40 का रिलोड हो जाता है। वहीं डीपी 5 सेकंड्स लेती है 47 का मैक रिलोड होने में। शूटिंग रेंज में स्नाइपर्स चलाने का भी मतलब सेंस बनता नहीं है क्योंकि हाँ स्नाइपर से आप लॉन्ग डिस्टेंस के शॉट काफ़ी इजीली ले सकते हो, लेकिन स्नाइपर्स में प्रॉब्लम यह है कि जो बोल्ट एक्शन स्नाइपर्स हैं उनमें जो पर शॉट के बाद जो टाइम होता है रिलोड होने का और दूसरे बुलेट डालने का वो टाइम काफ़ी ज़्यादा है। और SKS वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपका अच्छा कंट्रोल है उस वेपन पे तो। सो मेरे ओपिनियन में तो M416 सारे अटैचमेंट्स के साथ बेस्ट वेपन है शूटिंग रेंज में क्योंकि उसका रिकॉयल कंट्रोल काफ़ी ईजी है, एक्यूरेसी काफ़ी हाई है, बुलेट ड्रॉप नहीं है ज़्यादा और रिकॉयल कंट्रोल काफ़ी ईजी है, सबसे ईजी रिकॉयल कंट्रोल है। और जो जायरो प्लेयर्स हैं उनके लिए तो और भी ईजी है। बट अगर आपको लगता है कि कोई और वेपन है जो बेटर है M416 से शूटिंग रेंज में तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, मैं उसे बिल्कुल ट्राई करूँगा और अगर मुझे लगेगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा बिल्कुल। सो आई गेस दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।